लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई से 2 बार सांसद रहे चिराग पासवान। चिराग पासवान आज देर रात आपकी अदालत रजत शर्मा के सवालों का जवाब देंगे। साथियों, आप सब इंडिया टीवी पर आज रात 10 बजे जरूर जाइए और इंडिया टीवी पर चैनल पर आज की बात में चिराग पासवान के द्वारा दिए गए बयानों को आप लोग ध्यान से सुनिए और कहीं ना कहीं रजत शर्मा के सवालों का जवाब किस तरीके से चिराग पासवान किस बारीकी से देखते हैं उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है और चिराग पासवान के द्वारा जनता के जो सवालों का भी जवाब देते हैं चिराग पासवान, और आपकी अदालत में रजत शर्मा के सवालों के जवाब किस तरीके से चिराग पासवान किस बेबाकी अंदाज में देते हैं चिराग पासवान, इसको आप लोग आज देर रात 10 बजे देखना नहीं भूले। साथियों, आप सब जाइए इंडिया टीवी पर देर रात आज 10 बजे आप लोग देखिए, और चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार बिहार में चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ये चिराग पासवान की सबसे बड़ी काबिलियत साथियों, और चिराग पासवान जनता के साथ जनता के रूबरू होंगे और जनता के भी सवालों का जवाब देंगे और रजत शर्मा के भी सवालों का जवाब देंगे चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान पहली बार जो कि दूसरी बार आए हैं, पहली बार आए थे आपकी अदालत में तो अपने पिता रामविलास पासवान के साथ आए थे, लेकिन दूसरी बार चिराग पासवान आपकी अदालत में अकेले हैं, क्योंकि रामविलास पासवान का साथ इस समय चिराग पासवान को नहीं है। उनके निधन के बाद चिराग पासवान पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं, पार्टी से भी चिराग पासवान अकेले हुए थे, लेकिन जनता ने चिराग पासवान को बिहार में सबसे मजबूत नेता के तौर पर इस समय उभार कर रखा है। साथियों, तो अभी के लिए इतना ही, मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।